नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की महत्वपूर्ण बड़ी खबर आप सभी लोगों के लिए। ब्रेकिंग न्यूज है, देर रात की राजस्थान में 13 जनवरी तक छुट्टियां। दोस्तों, यहां पर सर्दी ज़्यादा होने के कारण लगातार छुट्टियों में वृद्धि होती हुई बच्चों की, तो यहां पर देख सकते हो फिर से छुट्टियों की संख्या बढ़ चुकी है। आखिरकार कब तक हो चुकी है अब छुट्टियाँ? तो देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है छुट्टियों को लेकर। कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर की तरफ से यह नोटिफिकेशन है। 4 जनवरी 2024 आज ही की ये बड़ी खबर है। अभी लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है आप लोगों के लिए। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि निर्देशानुसार 22 तारीख को निर्देश आए थे कि 25 तारीख से लेके 5 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया था। आप सभी लोगों की जो है 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक छुट्टियाँ थी, अवकाश घोषित किया गया था, किंतु आगामी दिनों में तापमान गिरने से सर्दी का प्रकोप बढ़ने व शीतलहर की अधिक संभावना को देखते हुए, यानी कि अभी आप लोगों ने देखा होगा शीतलहर, इससे जो है इंसान भी ठिठुर रहे हैं, साथ में जानवरों को भी समस्याएं हो रही है। इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए अधिक से ज्यादा ठंड होने के कारण जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा जयपुर द्वारा शीतकालीन अवकाश उपरांत भी विद्यालय में अवकाश रखे जाने हेतु निवेदन किया गया है। देख सकते हो यहाँ पर यह बड़ी खबर है आप लोगों के लिए। आगे जानकारी देखते हैं। जानकारी लिखी हुई है, अतः जयपुर जिले के समस्त राजकीय गैर राजकीय यानी कि सरकारी और प्राइवेट विद्यालयों में कक्षा 8वीं तक दिनांक 6 जनवरी 2024, क्योंकि 5 तक छुट्टियां हैं, और 6 जनवरी 2024 से लेकर के 13 जनवरी 2024 तक अवकाश घोषित किया जाता है। शिक्षकों एवं संचालक अन्य परीक्षाओं का समय यथावत रहेगा, जो और परीक्षाएं हैं उनका संचालन यथावत रहेगा। इन निर्देशों की अवहेलना करने वाले राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। यानी कि यदि कोई सरकारी विद्यालय या कोई प्राइवेट विद्यालय अपनी मनमानी पर क्लास में बुलाता है बच्चों को, तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी, जो भी नियम होंगे जयपुर जिला कलेक्टर के। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर है देर रात की, यानी कि बहुत सारे प्राइवेट वाले स्कूल वाले जो क्या करते हैं, अपनी मनमानी से बच्चों को स्कूल में बुलाते हैं, इसके कारण बच्चों को साथ समस्याएँ होती है, बच्चे बीमार हो जाते हैं। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए सख्त आदेश जारी किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए। जिस भी जिले का कोई भी आदेश आएगा आप तक खबर पहुंचा दी जाएगी। आप किस जिले से वीडियो देख रहे हैं आप ये कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके वहां भी छुट्टियां लग चुकी है।